Yes, dear students, it is a question answer of who will play with me. Okay, yes, I'm going to start. Activity first, question first. Write tree for true statement and F for false. मतलब true and false लिखना है इसमें. First is, we should give up laziness. True. The peacock is free to play with the boy. False. Rohit plays with his friends in morning. False. There are many children in the garden. False. ठीक है. Next is B question है. विकल्प चुनना आपको A B C वाला. A punctual boy does not miss his school. Does not do work on time. Does not misuse things. Does not waste his time. तो इसका आंसर होगा डी. Does not waste his time. जो मतलब पंक्चुअल बच्चा होता है ना, जो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता और अपना काम करता है. सेकेंड है, हु इज़ नॉट विलिंग टू वर्क. पीकॉक, डॉग, पैरेट, रोहित. रोहित रोहित की स्टोरी है ना. रोहित जो है विलिंग नहीं करता, मतलब काम करने में विश्वास नहीं करता, यकीन नहीं करता. थर्ड इज लेजीनेस इज फॉर अस गुड, बैड, यूजफुल और हेल्पफुल. बैड है ना, लेजीनेस बैड होता है. इसका आंसर देखो A D B. A फोर क्या है, डज नॉट मिस. हाँ, एक ही सवाल होता है. इसका आंसर ये है, डी भी सही है. डी है आपका रोहित और बी है आपका बैट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, Why did Rohit find no friend in his garden in the garden to play with? Rohit found no friends in the garden to play with because they had gone to school. मतलब क्या था, रोहित को कोई क्यों नहीं मिले, सब कहाँ गए हुए थे, स्कूल. आपको ये ना इंग्लिश वाला वर्ड करना है, हिंदी वाला नहीं करना है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वाई डिड द बर्ड्स एंड एनिमल इन द गार्डन नॉट प्ले विथ रोहित. द बर्ड एंड एनिमल इन द गार्डन डिड नॉट प्ले विथ रोहित बिकॉज दे वर बिजी इन देयर वर्क. थर्ड इज इन द एंड ऑफ द स्टोरी रोहित प्रेजेंट वर हैप्पी विथ हिम. वाई इन द एंड ऑफ द स्टोरी रोहित पेरेंट्स वर हैप्पी विथ हिम बिकॉज ही स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल डेली. यस, एक्टिविटी सेकेंड है, आपको ये फिलअप्स करने हैं. फर्स्ट इज माई फादर वर्क्स इन फील्ड एंड माई हेल्प हिम. इसके आगे लिखे हैं फिलअप्स आपके. द सन राइजेज इन द मॉर्निंग एंड सेट इन द इवनिंग. इन द विंटर सीजन वी गो टू स्कूल एट 9:30 AM एंड बैक फ्रॉम देयर एट 3:40. पैरेट, क्रो, स्पैरो एंड हॉर्स वर बिजी विद देयर वर्क सो दे डिड नॉट प्ले विद रोहित हु वॉज फ्री. फर्स्ट इज मदर इवनिंग कम और बिजी, राइट. फिर आपको ये पैसेज भी करना है, कंप्रहेंसिव पैसेज है आपका. ठीक है, इसको पढ़ के इसके आंसर लिखने हैं आपको. इसमें देखो क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, फिर इसके आंसर भी हैं नीचे. तो पहले आपको क्वेश्चन करके फिर आंसर साथ में लिखना है. यूँ नहीं कि सारा पैसेज उतार के, पैसेज तो उतार लेना आप, फिर एक क्वेश्चन उतारो उसका आंसर, फिर दूसरे क्वेश्चन उतारो उसका आंसर. ओके, चलो, थैंक यू.